उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बुधवार की दोपहर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर प्रयागराज के कछरना थाना अंतर्गत कचरी गांव के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी कार फ्लीट के ही वाहन से टकरा गई। उनके सीने, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें मिर्जापुर स्थित ट्रामा सेंटर ले जाया गया है, जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उनकी जाँच की। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल ने बताया कि उनके सीने, बायां हाथ की हथेली और कलाई में और दोनों घुटनों में चोट आई है। मांसपेशियों में खिंचाव है, कोई गंभीर चोट हालांकि नहीं है। सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आशीष पटेल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और आज उनका वैवाहिक वर्षगांठ भी था और उसे ही मनाने के लिए वो मिर्जापुर जा रहे थे। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल बुधवार को प्रयागराज से मिर्जापुर आ रहे थे। वो फॉर्चूनर कार में सवार थे और आगे की सीट में बैठे थे। जब बताया जा रहा है कि प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर भीरपुर के कचरी गांव के पास अचानक मंत्री के फ्लीट के सामने एक बाइक सवार आ गया और उसे बचाने के चक्कर में आगे के वाहनों ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे फॉर्चूनर में मंत्री सवार थे वो भी फ्लीट के आगे वाले वाहन से बुरी तरीके से टकरा गई। मंत्री आशीष पटेल वाहन के अंदर सामने के हिस्से से जा टकराए और उन्हें कई जगह चोटें आईं। आनन-फानन उन्हें वाहन से बाहर निकाला गया, फिर उन्हें दूसरे वाहन में बिठाकर मिर्जापुर स्थित ट्रामा सेंटर ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद दर्द की दवा दी, साथ ही एक्सरे और अन्य जांचें कराई। फिर थोड़ी देर वो कक्ष में ही रहे, जहां कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।